तू क्या मैं सो गई हमारे मच्छी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पी के राज लोग में। दोस्तों हम हैं अजमेर के एक गांव में और हम जो गांव का जो पशुपालन है बकरी पालन है वो हम दिखा रहे हैं। तो आपकी क्या बकरियाँ? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कालू जी। कालू जी गुजर। कितनी बकरियाँ आपके पास में? 10-12 आ रहे हैं। 10-12 है। अच्छा अच्छा हेलो। तो देवराज जी आना। अच्छा ओम जी, नमस्कार ओम जी। और अपन एक और जैसे गांव के अंदर एक और जो पशुपालक है उनसे अपन मिल रहे हैं। बिल्कुल। और कालू जी गुजर इनका नाम बता दीजिए, कौन सी क्या है ये बकरी वगैरह? ये सिरोही ब्रीड ही है। इनके पास स्पॉटेड और अजमेरी है एक आध बकरी। तो ये गांव में जो है 10-12-15 बकरी का स्टॉक होता है। अच्छा। हर घर घर में 10-12-15 बकरी जो है जो पाई जाती है। अच्छा। तो इसमें तो जो अपन गांव के अंदर देख रहे हैं कि जो काफी हाइट वाली जो बकरियां होती है, जो अपन मानते हैं कि मतलब ये काफी ग्रोथ वाली है, हाइट वाली है ना, और कई मानते 60 kg से ऊपर की जो बकरियां हैं, तो वो तो अपने को यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। देखो वो तो हर घर में 60 kg वाली नहीं है और हर घर में जैसे मीडियम भी नहीं है, सारी है इसमें छोटी बड़ी। अच्छा। और ये जो है छोटी बकरी है, बाकी जैसे घर के हिसाब से रखते हैं। जैसे कोई गरीब परिवार है तो वो कम मीडियम साइज की उसके पास, और खिलाई पिलाई में कमी आ जाती है। अच्छा। तो खिलाई पिलाई में कमी आएगी तो थोड़ी कम ग्रोथ करेगी। अच्छा अच्छा। बाकी स्टॉक में यही रहता है, 10-15 बकरी का स्टॉक होता है हर घर घर में। तो जैसे अपन ने पहले भी अपन ने वीडियो शूट किया था ना, अभी तीसरा जो अपना वीडियो है ना जी, तो उसके अंदर अपन देख रहे हैं कि जो ब्रीडर है वो तो अपन यहाँ भी दिखने को नहीं मिल रहा। तो ये कैसे प्रोडक्शन लेते हैं और इनका बकर जो ब्रीडर होता है वो कहाँ चला जाता है? मतलब देखने को जो ब्रीडर है वो बड़ा हो जाता है हर साल भर में। ये क्या करते हैं जी, एक पैदावार निकलती है इनकी, तो उस पैदावार में बड़े वाले ब्रीडर को बेच देते हैं। एक बार में जब क्रॉस हो जाती है उसी टाइम उसको निकाल लेते हैं और जो छोटा वाला ब्रीडर है उसको ये रख लेते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा है वो उधर लेके आए हैं। तो ये घर के इनमें से तो अगर कोई बकरी जैसे इसी दौरान हीट में आ जाएगी तो वो उसका जब हीट में आती है तो ये पहले ही साल में एक ही बार क्रॉस कराते हैं। अच्छा, अच्छा। कई कबार साल में 2 बार जो क्रॉस करा लेते हैं। अब ये इन्हीं बकरियों में से बच्चा सबसे बेस्ट ये निकाल के रोक लेते हैं। अब ये जब वापस हीट में आएगी तब तक ये 1.5 साल का हो जाएगा, तो वापस क्रॉस इसी से हो जाएगी। अच्छा, अलग से खरीदना नहीं पड़ता इनको। तो ब्रीडर मतलब को काफी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने रखा हुआ है जी ना? जी। अच्छा अच्छा। क्या उम्र का होगा ये अभी? ये अभी 8 महीने के होगा, समथिंग 8 महीने का। 8-9 महीने। तो क्या वजन होगा इसका? जी वजन इसका है जो अभी 50 kg के समथिंग है। 50 kg का जी। जब तक ये ब्रीडिंग के लायक हो जाएगा तो उसमें तो ये 1.5 साल के समथिंग हो जाएगा। कितना वजन कर तो ये देखो ग्रोथ कराने पे है अब लगभग अगर अपन 70 किलो के समथिंग 70-80 kg का हो जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर वापस इसको निकाल देंगे, एक ही पैदावार लेंगे इसकी। अच्छा। और ये आप शेड देख सकते हो, शेड भी हम दिखा देते हैं एक बार। ये शेड के अंदर ये काफी कम जो खर्चे के अंदर ये कर लेते हैं, जुगाड़ का टाइप का है इन्होंने किया हुआ है। तो ओम जी ये मतलब इसमें इन्होंने जो ये एक खुद का ही बनाया हुआ ये इन्होंने झाड़ होती है, झाड़ का इन्होंने काट के गिट्टी कर ली है, लकड़ियां सपोर्ट दे दिया इन्होंने, बाकी सर्दी के लिए गर्मी के लिए चद्दर टिन जो पुराने हैं वही है, बाकी 1,00,000 रुपए इन्होंने शेड में खर्च नहीं किए। और न 1,00,000 रुपए इसमें कर देंगे तो इसकी इतनी आमदनी नहीं है। तो काफी लोग क्या करते हैं कि ये झाड़ का इन्होंने गेट बनाया है। अच्छा, अपन अंदर भी देख लेते हैं इनके जो गेट बनाए, ये झाड़ का ये कोई पैसा नहीं लगता, वही जो झाड़ काट के लेके आ जाता है बस उसी झाड़ का, पैसे वाला तो काम ही नहीं है इनके। मतलब यहाँ जो है
पैसे का बिल्कुल काम नहीं है। नॉर्मल खर्चा आप लाख रुपए इसमें लागत नहीं है, इसमें लगा के क्या करेंगे। और बकरी इसी में रहती है, बाकी जो फार्मर क्या करते हैं गलती, वो इनमें लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अंदर से देखिए इनमें से क्या है, कितनी जगह है, स्पेस क्या है, क्या है स्पेस वगैरह का। तो ये इन्होंने, अच्छा अच्छा, ये दो जो दीवारें हैं अपने मकान की, इन्होंने एक मकान की दीवार आ गई, एक दूसरे 10x20 का हो गया, इधर इन्होंने झाड़ लगा लिए। एक अपनी इस साइड की मकान की दीवार आ गई, इसका कोई खर्चा नहीं लगा। दूसरी साइड इन्होंने ये झाड़ का दे लिया, इसका भी कोई खर्चा नहीं है। और ये टिन का जो है मामूली सा, इनका ये खर्च है। और खम्भे भी इन्होंने ये लकड़ी के लगा रखे, इसका भी कोई खर्चा नहीं है। तो मैं जो नए फार्मर जो फार्मर खोलना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दूंगा कि फालतू का लाखों रुपए शेड बनाने में खर्च ना करें। तो ये पहले मतलब शुरू के अंदर जो जुगाड़ से भी अपन जो बकरी पालन है वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साफ सफाई भी काफी अच्छी तरीके से इन्होंने अंदर कर रखी है ना। बिल्कुल, गंदगी का कोई नामो निशान भी नहीं है। नहीं नहीं, साफ सफाई तो कहीं भी हो, मार्बल में भी साफ सफाई रख सकते हैं, और गांव वाले रूरल एरिया में आंगन में भी सफाई रखते ही हैं। तो ये देख रहे पूरा जो है बिल्कुल नॉर्मल खर्चे में ये शेड बन के तैयार है इनका। तो यही कहूँगा की बकरी पालने से पहले लाखों रुपए शेड में इन्वेस्ट ना करें, पहले पाल के देखें उनमें अपन को मांगत है या नहीं है। कई कबार क्या होता है कि लाखों रुपए का शेड बना दिए, फिर सुनाई पड़ा कि थोड़ा सा जानवर ले जाके डाल रहे, उससे अच्छा पहले अपना ये ऐसा इस तरह का बना लो नॉर्मल खर्चे वाला। नहीं तो पहले यहाँ आके विद प्रैक्टिकल देख के जाए, देखने का कोई सुलत नहीं है ऐसा। नहीं, अप्रोक्सी अपन देखे तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 10-12 हज़ार से ज्यादा कोई खर्चा आया नहीं होगा ना। और लोगों को अगर अपन ये जानकारी देंगे तो लोग बाग ये एक विश्वास नहीं करते हैं यार, इतना भी खर्च, इतने कम जो खर्चा उसमें भी इतना सेट बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो ये गांव का अंदर एक एग्जांपल है, यहाँ के लोग हर परिस्थिति के अंदर अपना जो जुगाड़ टेक्निक है वही अपनाते हैं, और कम से कम जो खर्चा है उसके अंदर ये शेड बना के और अपना बकरी पालन का जो वो काम कर लेते हैं इसके अंदर, है ना। अब क्या करते हैं कि कई फार्मर लाखों रुपए देते हैं भाई सामने बनाया है शेड, अब उसमें ही वो चक्कर खा जाते हैं कि अपन खोले या नहीं खोले, पहले ये अपना शेड का पैसा है या नहीं है। तो शेड है, आप जो मीडियम क्लास के जो मेरे किसान भाई है वो इनको पाल सकते हैं जैसे अभी इन्होंने पाल रखा है, और अच्छे से अच्छा वो फायदा उठा सकते हैं। तो लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं होता है इनमें, उन गरीब किसान भाई बहनों के लिए ऐसा आप शेड तैयार कीजिए और आप भी एक अच्छा से अच्छा गोट फार्म चला सकते हो 15-20 बकरी से। तो ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपन ने ये जो गाँव की जो जो पशुपालन होता है, बकरी पालन होता है, कैसे होता है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी जो जानकारी है वो भी हमारे को मिल रही है, और कुछ जो नया है वो भी अपने को देखने को मिल रहा है, और नया सीखने को भी मिल रहा है अपने को। यहाँ पे जो गांव वाले हैं, कहा तो जाता है कि ये पढ़े लिखे होते हैं, पर जो बकरी पालन वगैरह करते हैं तो इसके अंदर एक अच्छी सी जो इनसे सीख ये ले सकते हैं कि कम से कम खर्चे के अंदर कैसे बकरी पालन ये उन्नत तरीके से कर सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे सीखने को मिला है। तो ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।